ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर शरीफा रोड अब अपार्टमेंट के पास MSEB के केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से रात करीब 2:30 बजे आग लग गई, जिसमें एक होंडा सिटी कार और एक महिंद्रा बुलोरो भी इसकी चपेट में आ गई। यानी MSEB की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि MSEB को इन खुले केबलों के बारे में कई बार जानकारी दी गई है, मगर MSEB की इतनी बड़ी लापरवाही है कि शिकायत मिलने के बाद भी केबलों को ठीक नहीं किया गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें दो कार जल गई। गनीमत रही कि कार में रखा CNG सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत भयानक स्थिति हो जाती। जिस तरह से आग लगी, इसमें किसी की घायल होने की खबर नहीं है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरह से आग लगी है। स्थानीय लोगों ने क्या कहा है इस घटना पर, किसकी लापरवाही है? यहाँ पर केबल के ऊपर कोई किसी की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खड़ी करने की वजह से केबल शॉर्ट हो गया और शॉर्ट होने की वजह से उसमें मतलब आग पकड़ ली। दो गाड़ियों जली हैं, एक ये सामने गाड़ी खड़ी है वो जली हुई है और एक गाड़ी आगे है। यहाँ के लोगों ने उसको खींच करके हटा गया, उसके पीछे का हिस्सा भी जल गया है। लेकिन आज एक हादसा होते होते टल गया, बहुत बड़ा हादसा टल गया। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हादसा डाल दिया। अब तमाम लोग, मोहल्ले के तमाम लोग, अतराफ के तमाम लोगों ने मेहनत करके पहले खुद से पानी डाला, फिर मैंने फायर को फ़ोन किया, मैं खुद फायर ब्रिगेड गया, फायर की गाड़ी को मैं खुद साथ में लेकर के आया। तो अल्लाह का अनगिनत एहसान हुआ कि वो उसमें सिलेंडर में आग पकड़ी नहीं, दोनों गाड़ियों में। लेकिन कभी अल्लाह मतलब ये है कि अल्लाह का अनगिनत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत रखा, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा होता होते अल्लाह ताला ने बचा लिया। और जो लोग केबल डालते हैं वो केबल ऊपर छोड़ करके चले जाते हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए यही दिक्कत की बात है। हमने उनको बार बार बोला कि भाई केबल को अंदर करिए। MSEB को हमने कई बार कंप्लेन किया कि भाई केबल अंदर करिए, केबल अंदर करिए। हर साल जो है MSEB को कंप्लेन करके, समझा करके, बुझा करके, लेकिन उसके बावजूद भी केबल ऊपर ही पड़ा रहता है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर है। लोड इतना ज़्यादा केबल पे रहता है कि कोई हफ्ता या कोई ये दिन नहीं जाता है जहाँ केबल शॉर्ट ना होता और केबल ना जलता हो। MSEB जो है यहाँ पे पहले तो कोई ट्रांसफार्मर दे, इसलिए कि ये बॉक्स से काम चलने वाला नहीं है और ये बॉक्स इसीलिए चलता भी है। लोड ओवरलोड है और आए दिन केबल सुलगता रहता है। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ MSEB और उस जो ऊपर जो केबल पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हादसा आज अलहमदिल्ला होते थे बच गया। अल्लाह करम है कि अल्लाह ने उसको बचा लिया, बड़े हादसे से बचा लिया। हादसा हुआ लेकिन बड़े हादसे से बचा लिया। और अगर इस तरह से रहा तो कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए MSEB किसी भी तरह से इस केबल को चेंज करे। उसके अलावा बॉक्स में आप या तो कहीं ट्रांसफार्मर का इंतजाम करें ताकि इसका लोड इतना ना पड़ सके। सुना आपने, आखिर कब MSEB के अधिकारी जागेंगे और सड़कों गलियों में खुले केबलों को दुरुस्त करेगी? आपको बता दें कि इसी तरह पिछले दिनों रशीद कंपाउंड में एक मासूम बच्ची खुले केबल के चपेट में आ गई थी। इसके बाद भी MSEB ठोस कदम नहीं उठा रही है। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड के जवान वक्त रहते आग बुझाई, वरना सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता था। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।